आशीर्वाद भैया कर के बगिया भाभी जिंदाबाद, पवन भैया जिंदाबाद, छाप जिंदाबाद। पवन सिंह और ज्योति सिंह की दूरियां खत्म हो गई हैं। लोकसभा चुनाव में ज्योति सिंह का पूरा समर्थन पावर स्टार पवन सिंह को मिल रहा है और इस बात की जानकारी आपको ये वीडियो देखते ही मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से ज्योति सिंह और पवन सिंह को लेकर चर्चाएं हैं और ज्योति सिंह फिलहाल पवन सिंह के चुनाव प्रचार में शामिल होकर ये साबित कर दी हैं कि वो दिल से पवन सिंह को अपना ली हैं और पवन सिंह भी उन्हें दिल से अपना लिए हैं और उन दोनों की जो दूरियां हैं वो काफ़ी पहले दम तोड़ चुकी हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह की तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है जिस वजह से उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने चुनाव का बागडोर अपने हाथ में ले लिया है और काराकाट में घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिहार में काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार और भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह फिर से एक दूसरे के करीब आ गए हैं। इस बात का अंदाजा आपको ज्योति के प्रचार में जाने से ही मिल गया होगा। एक वक्त था जब दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो गए थे और बात तलाक तक आ गई थी। पहले एक दूसरे के विरोध में रहने वाले पति पत्नी इन दिनों चुनाव के दौरान एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। अपनी पत्नी के बारे में मीडिया में बात करते हुए बीते दिनों पवन सिंह ने ज्योति सिंह की तारीफ की थी। उनसे चुनाव में पत्नी और परिवार के सपोर्ट पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, बिना परिवार के सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता। परिवार का फुल सपोर्ट है, माँ का चाचा का आशीर्वाद है, पत्नी साथ में है, भाई साथ है। किसी भी कार्य में परिवार का सपोर्ट मायने रखता है। हर जगह से, हर परिवार से फुल सपोर्ट चाहिए। मैं एकदम मस्त हूँ और खुश हूँ। आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा सीट के लिए पवन सिंह के नामांकन के दौरान उनका पूरा परिवार भी मौजूद था। उनकी पत्नी ज्योति सिंह, माँ और भाई के अलावा खेसारी लाल यादव के पिता भी मंच पर नजर आए थे। इस दौरान पवन सिंह ने भावुक अंदाज में अपनी बातें रखी थी। उन्होंने कहा कि जमाने में बहुत चोट लगी, फिर भी लोगों के आशीर्वाद से तन कर खड़े हैं। लोगों के आशीर्वाद से बहुत कमाया, भले ही बहुत संपत्ति नहीं हो लेकिन दुआ की संपत्ति मिली है। चुनाव प्रचार में पूरा परिवार उनके साथ था और उनके सपोर्ट में था। इधर सोशल मीडिया में भी उनके प्रशंसकों की ओर से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पवन सिंह और ज्योति सिंह फिर से एक साथ में होंगे। निरंजन निराला नाम के एक प्रशंसक की ओर से दोनों के फिर साथ होने की प्रार्थना करते हुए लिखा गया है, अब किसी को इस जोड़ी की नज़र ना लगे। वहीं पवन सिंह के करीबियों का भी कहना है कि दोनों के संबंधों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, आने वाले समय में जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा और नन्हा पावर स्टार घर पर आएगा। आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए 1 जून को मतदान होना है। अब जैसे तैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, प्रत्याशी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में उतर गई हैं और पवन सिंह के लिए वोट मांग रही हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह के सपोर्ट में उनकी पत्नी सोमवार को काराकाट प्रखंड के कुकुर, गोराड़ी, सातों परासिया सहित दर्जनों गांव में अपने पति के लिए वोट मांगा। बता दें कि पवन सिंह का अचानक तबीयत खराब होने के बाद उनकी पत्नी चुनावी मैदान में आई हैं। वो पैदल ही गांव-गांव पहुंचकर गली गली में घर घर जाकर माता बहनों से हाथ जोड़कर वोट मांग रही हैं। इसी दौरान काराकाट प्रखंड के दर्जनों गाँव में उनका काफिला पहुँचा और उन्होंने सभी गाँव में गली गली पैदल घूम कर अपने पति पवन सिंह के लिए वोट मांगा। 1 जून को उनके चुनाव चिन्ह कैची छाप पर मतदान करने की अपील की। इस दौरान महिलाएं और युवा लड़कियों में उत्साह देखने को मिला, जहां उनके साथ फोटो और सेल्फी लेने के लिए उत्साह दिखा। वेल, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो पे आपकी क्या है राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।